नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। मानहानि केस में राहुल गांधी को हुई सजा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को सुनवाई होगी। राहुल गांधी ने सजा पर रोक लगाने की मांग की है। आज एक बार फिर सीमा हैदर से पूछताछ होगी। सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस की टीम सीमा हैदर को घर से ले गई है। सचिन और उसके पिता से भी पूछताछ होगी। कल भी पुलिस ने सीमा हैदर से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। जम्मू कश्मीर के पूंछ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ अभी भी जारी है। एनकाउंटर कल रात से चल रहा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आज सुबह जलस्तर 205.81 मीटर पर पहुंच गया। पानी खतरे के निशान के ऊपर है। महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की पेशी आज होगी। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण को तलब किया है। 1600 पन्नों की चार्जशीट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। बीजेपी को मात देने के लिए विपक्ष का भी बेंगलुरु में महामंथन होगा। 36 दल मिलकर एनडीए से मुकाबले का प्लान बनाएंगे। अमेरिका ने भारत को चोरी की गई 105 मूर्तियां लौटा दी हैं। इसे जल्द ही भारत लाया जाएगा। ये सभी मूर्तियां प्राचीन काल की हैं। मुंबई के गोरेगांव स्थित फिल्म सिटी में एक तेंदुए के घुसने से हड़कंप मच गया। तेंदुआ जिस समय फिल्म सिटी में घुसा उस समय सेट पर 200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। तेंदुआ फिल्म सिटी में उस समय घुसा जब अजूने सीरियल के सेट पर शूटिंग चल रही थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार अपने गुट के अन्य एनसीपी विधायकों के साथ लगातार दूसरे दिन पार्टी अध्यक्ष शरद पवार से मिलने के लिए मुंबई के वाईपी चौहान केंद्र पहुंचे। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर कमल हासन की चाची 420 और गोविंदा की एंट्री नंबर 1 हिंदी फिल्म आप सभी ने तो देखी होगी, लेकिन आपको जल्द ही भोजपुरी में चाची नंबर 1 फिल्म देखने को मिलेगी। ये थी आज की टॉप 10 खबरों का सिलसिला। इंडिया न्यूज पर यही लगातार चलता रहेगा। बने रहे हमारे साथ इंडिया न्यूज पर। नमस्कार।